मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि ये मूवी रियल लाइफ पे बेस्ड स्टोरी है। हम सब जानते हैं कि रेसिज्म की वजह से लोगों के साथ बहुत इनजस्टिस होता है। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। मूवी का स्टार्ट 1987 से होता है। वॉल्टर मैकमिलियन एक अफ्रीकन अमेरिकन है जो अलाबामा सिटी में पल्पवुड का वर्कर है। वॉल्टर को रोंडा मॉरिसन के मर्डर के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी जाती है। रोंडा 18 साल की एक व्हाइट वुमन थी जो ड्राई क्लीनिंग क्लर्क थी। उसे कमर पर फायरिंग करके कत्ल किया गया था। वॉल्टर पुलिस से कहता है कि इसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बहुत से सबूत हैं, लेकिन फिर भी वॉल्टर को मुजरिम करार दे दिया जाता है। वॉल्टर को अरेस्ट करने में एक रेसिस्ट पुलिस ऑफिसर माइकल हार्डिक का बड़ा हाथ है। नेक्स्ट सीन 2 साल गुजर जाने के बाद से स्टार्ट होता है, जहां ब्रायन स्टीवेंसन नामी एक लॉयर जो सजाए मौत के मुकदमात में दिलचस्पी रखता है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़ने के बाद अलाबामा में शिफ्ट हो जाता है। ब्रायन अलाबामा में एडवोकेट ईवा एंसली जो कि व्हाइट कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है, ब्रायन उसके साथ मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन उसे ऑफिस की जगह रेंट पर ना मिलने की वजह से वो अपना काम घर से करना स्टार्ट कर देता है। वो अफ्रीकन कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, रेंट पे ऑफिस ना मिलने में ये एक बहुत बड़ी वजह दिखाई गई है। ब्रायन अपने लिए क्लाइंट्स तलाश करने के लिए मुजरिमों से मिलने डेथ रो में जेल जाता है, लेकिन जेल में इसके साथ रेसिस्ट ऑफिसर्स बहुत बुरा सलूक करते हैं और इसे अपनी चीजों की तलाशी तक देनी पड़ जाती है। यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ रेसिज्म का कितना बुरा हाल है। ब्रायन बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट होने के बावजूद भी हार नहीं मानता और वो बहुत से ऐसे कैदियों से मिलता है जिनको डेथ रो में शामिल कर दिया गया था। इन सब मुजरिमों में उसकी मुलाकात हर्बर्ट रिचर्डसन से होती है जो एक अफ्रीकन वॉर मैन है। हर्बर्ट का दिमागी वजन कुछ ठीक नहीं होता, यही वजह है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को बॉम्ब से हलाक कर देने के इल्जाम में जेल में बंद कर दिया गया था। हर्बर्ट को डेथ बाय इलेक्ट्रिक चेयर की सजा सुनाई गई थी, यानी उसे एक इलेक्ट्रिक चेयर पे बांध दिया जाएगा और तब तक करंट दिया जाएगा जब तक कि वो मर नहीं जाता है। ब्रायन कानून के इस निजाम को देख इतना परेशान हो जाता है, कहीं ना कहीं वो अभी से अपनी हिम्मत छोड़ने लग जाता है। ब्रायन की मुलाकात एक वॉल्टर नामी आदमी से होती है। वॉल्टर वही है जिसे स्टार्टिंग सीन्स में गलत के जुर्म में सजा सुना दी गई थी। वॉल्टर उसे कहता है कि वो अपना वक्त जाया कर रहा है, पुलिस ब्लैक पीपल के हक में कभी फैसला नहीं करती है। ब्रायन वॉल्टर के केस की फाइल देखता है और हैरान ही रह जाता है। वॉल्टर के खिलाफ गवाही देने वाले बस 2 ही लोग थे और उनमें से भी एक राल्फ मायर्स है जो खुद एक मुजरिम है। किसी भी मुजरिम की गवाही को काउंट नहीं किया जाता है, न ही 2 गवाहियों पे किसी को सजाए मौत सुनाई जाती है। पर वॉल्टर के केस में तो सब ही बहुत अजीब था। ब्रायन को शक होता है कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। ब्रायन वॉल्टर के केस पे ही काम करना स्टार्ट करता है। उससे पता चलता है कि वॉल्टर की ब्लैक कम्युनिटी से ताल्लुक रखने की वजह से उसके साथ ना इंसाफी की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। वो वॉल्टर के दोस्तों से मिलने जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वॉल्टर कत्ल के वक्त अपने दोस्तों के साथ फिश फेयर में था। ब्रायन को पता चलता है कि वॉल्टर अपनी कम्युनिटी में एक जाना माना बिजनेसमैन था, लेकिन उसका शहर में एक व्हाइट वुमेन के साथ अफेयर था, जिसकी वजह से पुलिस उसे अपने मोहरे की तौर पे इस्तेमाल कर रही है। एक लड़का जिसका नाम डार्नल है बताता है कि पुलिस ने उस दूसरे गवाह से जबरदस्ती बयान दिलवाया था। ये बात उस गवाह ने उसे खुद बताई थी। डार्नल पुलिस के इस इनजस्टिस से इतना तंग होता है कि ब्रायन के कहने पर पुलिस के खिलाफ अपनी गवाही देने पर राजी हो जाता है। ब्रायन एक न्यू डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी टॉमी चैपमैन से मुलाकात करता है और इसे वॉल्टर के केस में जमा किए गए एविडेंस दिखाता है और उम्मीद करता है कि वो उसके साथ कोऑपरेट करेगा, लेकिन चैपमैन उसकी फाइल्स देखने से ही इनकार कर देता है और नफरत भरे लहजे में उसे कहता है कि वो इस बात की हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वॉल्टर हमेशा के लिए जेल में ही सड़ता रहे और उसे मौत की सजा सुनाई जाए। ब्रायन को ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक रात ईवा को कॉल आती है जिस पर कोई उसे धमकी देता है कि अगर वो ब्रायन और सजाए मौत के कैदियों की हेल्प करती रही तो वो मर जाएगी। मजीद उसे ये कहा जाता है कि उसके घर के नीचे एक बॉम्ब है जो उनके एक बटन दबाने से फट जाएगा। ईवा बहुत डर जाती है और फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करती है, लेकिन पुलिस को उसके घर से कुछ नहीं मिलता है। ब्रायन ईवा से कहता है कि अगर वो चाहे तो उसकी हेल्प करना छोड़ सकती है, लेकिन ईवा पीछे हटने से साफ इनकार कर देती है क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए एक मिसाल कायम करना चाहती है। ईवा और ब्रायन ऑफिस की हिफाजत को यकीनी
कंपनी बनाते हैं और इक्वल जस्टिस इनिशिएटिव के नाम से ऑफिस खोल देते हैं। ब्रायन वॉल्टर और हर्बर्ट के केस पर काम जारी रखता है। हर्बर्ट के केस में उसके मेंटली इल होने की बात का जिक्र नहीं हुआ था। ब्रायन इसी बात को सामने लाते हुए हर्बर्ट की फांसी आगे करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन देता है ताकि वो उसके केस पर मजीद काम कर सके और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सके जिससे वो उसे मौत की सजा से बचा सके। पुलिस को पता चलता है कि डॉनेल ब्रायन के साथ मिलकर वॉल्टर के केस में हेल्प कर रहा है। इस पर वो गुस्सा होकर डॉनेल को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने ब्रायन का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की है। ब्रायन को डॉनेल के अरेस्ट होने के बारे में जब पता चलता है वो जेल में जाके गुस्से में बड़े यकीन से कहता है कि पुलिस ऑफिसर चाहे कितनी ही कोशिश कर ले डॉनेल अपने बयान से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन होता उसका उल्टा ही है। डॉनेल बहुत खौफ ज्यादा हो जाने की वजह से अपने बयान से पीछे हट जाता है। अब इसमें हम बेचारे डॉनेल को भी गलत नहीं कह सकते, वो तो बस अपनी जान ही बचा रहा था। अपना एक गवाह खो देने के बाद ब्रायन मायूस हो जाता है लेकिन हार नहीं मानता और वो वॉल्टर के खिलाफ दूसरे गवाह रैल्फ मायर से मिलने जाता है। ब्रायन उससे सच बताने पर मजबूर करता है लेकिन रैल्फ उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। ब्रायन वहाँ से भी मायूस लौटता है। फिर वो रैल्फ के बयान की टेप तलाश करना स्टार्ट कर देता है। टेप्स मिलने पर उसे पता चलता है कि रैल्फ के बयान की दो टेप्स हैं, एक जिसमें उसने सच बोला है यानी कि वॉल्टर बेकसूर है और दूसरी वो टेप जिसमें उसने पुलिस के टॉर्चर के बाद बयान दिया है और वॉल्टर को कातिल बोला है। ब्रायन को ये सब बहुत अजीब लगता है और वो एक बार फिर रैल्फ से मिलने का फैसला करता है। ब्रायन को इन्फॉर्म किया जाता है हर्बर्ट की फांसी एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन रद्द कर दी गई है। ब्रायन को ये जान के बहुत दुख होता है। ब्रायन रैल्फ के पास वो रिकॉर्ड लेकर जाता है जिसमें उसका बयान बिल्कुल मुख्तलिफ है। ब्रायन रैल्फ से कहता है उसे पता चला है कि रैल्फ के वॉल्टर के खिलाफ बयान देने से पहले वो भी डेथ रो के मुजरिमों में से एक था, लेकिन जिस दिन उसने वॉल्टर के खिलाफ बयान दिया वो उस रो से बच निकला। रैल्फ ब्रायन को सब सच बताता है कि शेरिफ ने उसे उसका बयान बदलने पर मजबूर किया था। शेरिफ उससे मुख्तलिफ तरीकों से टॉर्चर करता था और एक दिन उसने उसे एक ऐसी जगह में बंद कर दिया जहां वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। रैल्फ उसे कहता है कि वो इतना डर गया था कि उसके पास बयान बदलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। ब्रायन वॉल्टर के एविडेंस की एक न्यू फाइल बनाता है और कौमी अदालत में उसका केस दोबारा खोलने की एप्लीकेशन देता है। एक पुलिसमैन जो ये तस्लीम करता है कि उसने वॉल्टर के जुर्म के बारे में झूठ बोला था और रैल्फ को टॉर्चर करके गलत बयान दिलवाया गया था, लेकिन मकामी अदालत फिर भी मुकदमा दोबारा चलाने से ये कह के मना कर देती है कि रैल्फ झूठ बोल रहा है। सब लोग एक बार फिर मायूस हो जाते हैं। ब्रायन हार नहीं मानता और वो कहता है कि वो ये केस अलबामा सुप्रीम कोर्ट में ओपन करने की अपील करेगा। स्टेट वॉल्टर को एक नया ट्रायल देती है। ब्रायन वॉल्टर के केस में अवाम की मदद लेने का फैसला करता है और 60 मिनट्स जो अमेरिका का टेलीविजन न्यूज मैगजीन है इस पर स्पीच करते हुए वॉल्टर का केस एक्सप्लेन करता है। ब्रायन स्पीच करते हुए स्टेट को इस बात से आगाह करता है कि कानून में किसी भी मुजरिम की कम्युनिटी, उसका खानदान या उसका बैकग्राउंड ना देखा जाए बल्कि उसके जुर्म की तहकीक की जाए और उसके हिसाब से उस इंसान को सजा दी जाए। ब्रायन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है इस केस की सर्च पर उसे पता चला है कि कितने ऐसे मुजरिम हैं जो लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लॉयर्स इनकी हेल्प करना चाहते हैं पर कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर्स उन्हें ऐसा नहीं करने देते और कितने ही मासूम लोग उनके जुर्म का शिकार हैं। वो मीडिया में ब्लैक कम्युनिटी से नफरत को जाहिर करता है जहां वॉल्टर के केस की एग्जाम्पल देते हुए कहता है इस मर्डर की तहकीक सिर्फ इसलिए नहीं की जा रही ताकि ब्लैक कम्युनिटी और व्हाइट कम्युनिटी में नफरत को हवा मिल सके। सुप्रीम कोर्ट वॉल्टर का केस ओपन करने की एप्लीकेशन मंजूर कर देती है। ब्रायन को यकीन होता है कि अब चैपमैन जरूर वॉल्टर पर लगे इल्जाम डिसमिस कर देगा। मीडिया पर ब्रायन की स्पीच के बाद अवाम में हलचल मच जाती है और वो सिस्टम को करप्ट कहते हुए हर सिटीजन को मुकम्मल राइट्स देने का मुतालबा करते हैं। ब्रायन चैपमैन के घर जाता है और उसे इंसाफ और सच्चाई के रास्ते पर अपने साथ चलने की ऑफर करता है। चैपमैन गुस्से से ब्रायन को अपने घर से निकाल देता है। मीडिया पे होने वाली हलचल और कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद चैपमैन वॉल्टर के केस पर खुद सर्च स्टार्ट करता है। केस की स्टडी के दौरान वो ब्लैक कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी जाहिरी तौर पर महसूस करता है। चैपमैन ब्रायन से कॉन्टेक्ट करता है और उसे बताता है कि वो उसकी हेल्प के लिए तैयार है। कोर्ट की हियरिंग में चैपमैन वॉल्टर पर लगाए गए तमाम चार्जेस डिसमिस कर देता है और कोर्ट वॉल्टर को आजाद कर देती है। वॉल्टर अपनी आजादी के अनाउंसमेंट सुनते
देखते हुए इमोशनल हो जाता है और वो ब्रायन का शुक्रिया अदा करता है। वॉल्टर 6 साल बाद अपनी फैमिली के पास वापस जाता है। आजादी के बाद उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। उसकी वाइफ उसके अफेयर की वजह से उसे डिवोर्स दे देती है और वॉल्टर डिमेंशिया ट्यूमर का शिकार हो जाता है। ये बीमारी उसे अपनी कैद के सदमे की वजह से लगती है। वॉल्टर की डेथ तक ब्रायन उसका बहुत अच्छा दोस्त बन के रहता है। फिर ब्रायन वॉल्टर की डेथ पर जस्टिस और ह्यूमन राइट्स पर स्पीच देते हुए वॉल्टर की हिम्मत की तारीफ करता है। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि ईवा और ब्रायन आज तक इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। वो वॉल्टर जैसे उन तमाम लोगों की मदद करते हैं जिन्हें करप्ट ऑफिसर झूठे इल्जाम लगा के अरेस्ट करवा देते हैं। यही मूवी एंड हो जाती है।